एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हो। हमने देखा कि किस तरह से एक 200 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक स्पष्ट जनादेश दिया है।